हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमेक चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयर इनटेक सिलेक्टर की। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाटा डियागो एग्जिट मॉडल के ऊपर और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। ये एयर इनटेक सिलेक्टर का फंक्शन, ये जो आपको बटन दे रखा है साथ में, इसके जो आप देख रहे हो स्टार जैसा बना हुआ, ये एसी का सबको पता है। मैं इसलिए ये वाला एयर इनटेक का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी शुरू में, जब मैं गाड़ी के बारे में मुझे पता नहीं था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था कि ये एक्चुअल में बटन एग्जैक्टली वर्किंग है क्या इसकी। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसको एयर इनटेक सिलेक्टर बोलते हैं। तो जब हम इसको, हमारी गाड़ी जब ऑन होती है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है। तो इट मीन्स जो हमारा रिसर्कुलेशन मोड है वो ऑन हो गया। रिसर्कुलेशन मोड मीन्स जो हम, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, हमारी विंडोज क्लोज हैं और जो कैबिन के अंदर जो एयर है वही कैबिन के अंदर रिसर्कुलेट हो रही है। तो ये रिसर्कुलेशन मोड का एक्चुअल जो इसका काम है वो ये है कि अंदर की हवा को दोबारा से रिसर्कुलेट करते रहना। मीन्स बाहर से कोई फ्रेश एयर ये अंदर नहीं ड्रॉ करता है। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, मीन्स इसको हमें कब ऑन करना चाहिए, जब जब हम ऐसे रोड पे चले जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया हो, वहाँ पे हमें ये मोड ऑन करना चाहिए। क्योंकि हमें बाहर से फ्रेश एयर नहीं चाहिए क्योंकि फ्रेश एयर के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी आएंगे, इसलिए हमें इंटरनल सर्कुलेशन ही यूज़ करना है। दूसरा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या जैम्स होते हैं, जैम्स लग जाते हैं तो वहाँ पे भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एग्जॉस्ट पोल्यूशन जो धुआं होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें आपको पता है कि फ्रेश एयर के साथ जो है वो अंदर आ सकता है, इसलिए हमें भी उस टाइम पे रिसर्कुलेशन मोड ऑन करके रखना चाहिए। तीसरा मेन पॉइंट काम, जब हमें मैक्सिमम कूलिंग चाहिए होती है, क्योंकि जब हम एसी ऑन करते हैं, तो एसी में आपको जब मैक्सिमम कूलिंग चाहिए, क्योंकि आप अगर आप जो अंदर आपके कैबिन के अंदर एयर है अगर आप बार बार उसी को रिसर्कुलेट करेंगे तो एसी बार बार उसी को और ज़्यादा ठंडा करेगा जिससे मैक्सिमम कूलिंग आपको मिलेगी। क्योंकि वो बाहर की हवा को, नॉर्मल एयर जो बाहर जा रही है उसको ठंडा नहीं करेगा, जो कैबिन के अंदर ऑलरेडी एयर है रिसर्कुलेट हो रही है उसी को बार बार ठंडा करेगा, तो उससे आपको जो मैक्सिमम कूलिंग मिल जाती है। तो ये तो था इसका ऑन में फंक्शन। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको यूज़ नहीं कर देंगे, मान लो कि हमने इसको जब बंद कर दिया, इट मींस अब क्या कर रहा है, अब गाड़ी के कैबिन के अंदर जो है वो बाहर से जो है वो फ्रेश एयर अंदर आ रही है। और ये तब करना चाहिए जब हमें गाड़ी के अंदर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा, मीन्स हमारी गाड़ी के सारे विंडोज़ जो हैं वो, हमारा एसी ऑन है, हमारे विंडो सारी क्लोज हैं, हमारा सारा विंडोज़ क्लोज रखी हैं, तो क्या होता है गाड़ी के शीशे के ऊपर आप देखोगे कि फॉग जमना शुरू हो जाती है। तो फॉग जमना शुरू हो जाती है ड्यू टू हमारा जो भी मॉइस्चर रहता है या जो भी, उसकी वजह से जमना शुरू हो जाती है। तो हमें उस कंडीशन में यहाँ पे इसको फ्रेश एयर पे डालना है। होता क्या है कि अगर फॉग जमना इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि अगर हम इसको रिसर्कुलेट मोड पे रखेंगे तो क्या होता है, गाड़ी की अंदर की कैबिन के अंदर की जो एयर है वही रिसर्कुलेट करेगी और उसमें क्या हो जाता है, उसमें उस एयर में बहुत देर तक उसको रिसर्कुलेट कर देंगे तो उसको मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मॉइस्चर जो होता है वो हमारे डोर्स और ग्लास, सॉरी हमारा जो विंडोज़ होती हैं और जो हमारा विंडशील्ड होता है उसके ऊपर वो जमना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसको रिसर्कुलेट मोड पर ना डालकर हम इसको डायरेक्ट एयर बाहर से लेंगे क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम होता है। तो इसलिए वो विंडोज़ को डिफॉगिंग, विंडोज़ पे जो है वो फॉग जमने नहीं देती है। ओके, अब बात करते हैं कि इसको यूज़, इसके जब हम इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं दोनों ही मोड पर, आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट दिए, जो सिलेक्टर है, जो हमारा वेंट सिलेक्टर है, एयर वेंट सिलेक्टर है, इसको या तो यहाँ पे इस पोजीशन पे रखो, इसमें आप देखोगे कि आधी एयर जो है वो फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर जा रही है और आधी जो है वो हमारे फुट में आ रही है। तो हमें ये वाला मोड सेलेक्ट करना है या फिर ये वाला, पूरी तरह से जो है वो जो एयर है पूरी तरह से जो है वो विंडोज़ के ऊपर जा रही है, जो हमारे जिसको हम डिफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो डिफ्रॉस्ट मोड पर रखना है इसको या हाफ डिफ्रॉस्ट मोड पर रखना है, यहाँ पर आपको लिखा भी है यूज़ विद। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हमारी जो आधी एयर या फिर हमारी पूरी एयर यहाँ से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इन वेंट से जो डिफ्रॉस्ट वेंट है यहाँ से निकलेगी और सीधा जो है वो जो भी मॉइस्चर होगा शीशे के ऊपर जमा हुआ उसको कम कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये था कि हम कैसे, इसका मेन काम क्या है, कब ऑन कब होता है और ये रिसर्कुलेट कब करता है, फ्रेश एयर कब लेता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है और हमें उस दौरान जब हम इसको यूज़ करते हैं या जब हम एसी चलाते हैं, इसको चाहे हम ऑन करें चाहे हम ऑफ करें, तो हमें कौन सा मोड जो है वो
सेट करके रखना चाहिए जब ज़्यादा फॉगिंग या जब ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो शीशे के ऊपर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आज के लिए वीडियो। सो थैंक यू।